बस साबूदाना और आलू का इस्तेमाल करके आज हम उपवास स्पेशल ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जिसके खाने से पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना छोटा वाला साबूदाना लिया है। मार्केट में साबूदाने 3 प्रकार के मिलते हैं। ये सबसे छोटे वाले हैं और एक मीडियम वाले होते हैं जो इससे थोड़े बड़े होते हैं और एक उससे भी बड़े होते हैं जो फ्राई करने के काम आते हैं। वो वाले साबूदाने हमें नहीं लेना है। आप चाहे तो छोटे वाले ले सकते हैं या मीडियम वाले ले सकते हैं। अभी इन साबूदानों को हम एक पैन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और मध्यम आंच में इसे भून करके तैयार करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे एक जैसे सिक्के तैयार हो। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, कलर इसका सफेद ही रहना चाहिए। इस तरह से सेकने से ये एकदम पोले पड़ जाएंगे। साबूदाना को कभी भी आप साफ कपड़े के ऊपर डाल करके पोंछ के लें जिससे कि इसके ऊपर जो इम्प्योरिटी वगैरह लगी होती है वो साफ हो जाती है। अभी इन साबूदानों को मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है पर आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, कलर इसका एकदम सफेद ही है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। साबूदानों को इसमें नहीं छोड़े क्योंकि पैन ज्यादा गर्म है जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से फैला करके इसे ठंडा करने के लिए रख दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में 2 टेबल स्पून जितनी भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं। यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो कच्ची मूंगफली को कढ़ाई के अंदर डाल के सेक लें और उसके छिलके निकाल लें। अब ये इसमें डाल देंगे। 4 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको रफली काट के इसमें डाल देंगे। इसी के साथ 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। अदरक इस समय आपको ज्यादा लग रहा होगा तो आगे आप देखेंगे इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इस पेस्ट को हमें हल्का दरदरा ही रखना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में लगभग 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देंगे। उपवास में ज्यादातर मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ इसीलिए मैं घी ले रही हूँ। आप यदि उपवास में तेल खाते हैं तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस को हम चालू कर देते हैं। अभी घी हमारे गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और जीरे को अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जीरा अच्छे से फटने लग गया है। आंच को हम मध्यम कर लेते हैं। अभी जो हमने मूंगफली अदरक और मिर्ची को पीस के रखा था वो पेस्ट इसमें डाल देते हैं। तो पूरा पेस्ट इसमें हमें नहीं डालना है, 1/2 पेस्ट इसमें डालना है, बाकी का 1/2 पेस्ट हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अदरक और मिर्ची अच्छे से पक जाएंगे और पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट पक जाते हैं। सभी को मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। 1 मिनट में देखिए बहुत ही अच्छे पक गए हैं। बस इतना ही हमें पकाना है। यहाँ पर मैंने 5-7 कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको भी मैंने साबुती डाल दिया है। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना दही लिया है, ये फ्रेश दही है, आपको भी फ्रेश दही ही लेना है। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है। यदि आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही मैंने सेंधा नमक लिया है, ये भी डाल देते हैं और इन सबको इसमें मिक्स कर लेते हैं। दही डालने के बाद में हमें फटाफट चलाना है नहीं तो दही फट जाएगा। यदि आपके पास दही नहीं हो तो इसकी जगह पे आप टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं। काफी लोग उपवास में टमाटर नहीं खाते हैं इसीलिए दही से बना करके तैयार कर सकते हैं। उपवास का समय होता है तो उस समय हमें अलग अलग चीजें खाने का मन करता है और साल में नवरात्रि का उपवास तो बहुत ही बड़ा उपवास है। इस उपवास को सभी लोग करते हैं। इसके अलावा काफी लोग सप्ताह में 1-2 बार उपवास करते हैं या एकादशी का उपवास करते हैं, उस समय भी ये बना करके खा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एज ए चेंज भी बना करके खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा एक जैसा खाना तो हम खाते ही है, जब थोड़ा अलग खाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मसाले में से घी भी अलग हो गया है, दही के अंदर जो घी होता है वह भी छूट जाता है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छा पक गया है। अभी इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप जितना पानी लिया है ये इसमें डाल देते हैं। ये मैंने दही वाले बाउल में ही पानी ले लिया था, यदि दही भी इसके अंदर चिपका हुआ होगा तो वो भी निकल जाएगा। इस समय आंच को वापस आप तेज कर सकते हैं। इसमें से जो चीज आप नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं। अभी ग्रेवी में से अच्छा उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू है। आलू को हमें उबाल कर ही लेना है। आलू को हम इस तरह से फोड़ करके डाल देंगे जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। जैसे भंडारे वाली आलू की सब्जी बनती है उसी तरह से बनके तैयार होगी। सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है पूरा सब्जी खाने का भी मन करता है। अभी आंच को हम थोड़ा धीरे कर लेंगे और ढक्कन लगा करके इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे जिससे ग्रेवी आलू के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी इसे हम खोलेंगे नहीं, ढक्कन लगा करके इसे रख देंगे। अभी 2 मिनट के बाद में मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए सब्जी दिखने में कितनी सुंदर लग रही है और पूरी रंगत इसके ऊपर आ गई है। इस तरह की सब्जी आपको इतना पसंद आएगी कि बिना उपवास के भी आपको बनाने का मन करेगा। लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें आपको गर्म मसाला नहीं डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह की सब्जी बना करके आप राजगिरे की पूड़ी के साथ में या सामा के चावल के साथ तो खा ही सकते हैं।
पर आज मैं इसके साथ में खाने के लिए आपको एक बिल्कुल नई और स्पेशल रेसिपी बनाना बताती हूँ। और साइड में हमारे ये साबूदाना भी ठंडे हो गए हैं। पूरा ठंडा होने के बाद में इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं, गरम गरम को नहीं डालें, और ढक्कन लगा करके इसे महीन पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। जब साबूदाना को हम अच्छे से सेक लेते हैं तो इसका पाउडर भी बहुत अच्छा बनता है। जिस तरह से मार्केट में चावल का आटा मिलता है लगभग उसी तरह से सेम बन के तैयार होता है। कभी कभी इसमें थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं तो इसको हम छान करके इस्तेमाल करेंगे। तो इसको छानने के लिए मैंने इस तरह की छलनी ली है जो कि काफी महीन है। आटा छान के तैयार करते हैं उससे भी महीन है। अभी इसको इस तरह से छान लेते हैं। तो देखिए लगभग ये पूरा छन गया है, थोड़ा सा पीछे बच गया है। यदि आपके ज्यादा बच गया हो तो मिक्सी के जार में डाल करके उसे आप वापस पीस लें तो वो महीन पाउडर बन जाएगा। हमारे बहुत ही थोड़ा बचा है, ये आधा छोटा चम्मच जितना ही बचा है। अभी इस जर को हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू डालने से नाश्ता हमारा काफी सॉफ्ट बनके तैयार होगा। अभी इस आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो मैशर से मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं। आलू को कद्दूकस करके डालेंगे तो इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। तो आलू को कम से कम आप 3 से 4 सीटी तक उबाल करके तैयार करें जिससे अच्छे से ये कद्दूकस हो जाएंगे। इस तरह से दोनों आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। नाश्ता अच्छा स्वादिष्ट बनके तैयार हो तो इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। मसाला में थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। आप चाहे तो जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। जो मूंगफली अदरक और मिर्ची को मैंने पीस के रखा है आधा पेस्ट मैंने सब्जी में डाल दिया था, आधा बचा हुआ पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। हमने एक ही बार में पीस लिया था जिससे हमें बार बार नहीं पीसना पड़े। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। साबूदाना क्या बहुत ही पानी को एब्जॉर्ब करता है तो इस समय आप इसमें पानी नहीं डालें, पहले आलू को अच्छे से मिक्स करें। तो आप देख पा रहे हैं मैं इसे किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, उसी तरह से आप अच्छे से मिक्स करें। इस रेसिपी के अंदर पानी का रेशियो बराबर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख पा रहे हैं अभी तक ये खुला खुला है क्योंकि साबूदाना पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एक बार ये आलू को पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद में ही हमें पानी डालना शुरू करना है, क्योंकि साबूदाना को हमने भिगा के नहीं लिया है इसीलिए अभी तक ये पानी को और एब्जॉर्ब करेगा। इस नाश्ते का सबसे बड़ा आराम यही है कि जब भी आपको बनाना हो फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। न तो इसमें साबूदाना भिगाने का झंझट है और न ही इसमें ज्यादा सामग्री डालने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे मिक्स करते रहें। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और लास्ट में आपको बताऊंगी इसमें कितना पानी लगा है। इसका सॉफ्ट आटा मैं गूंद करके तैयार करना है। आटा एकदम सॉफ्ट ही होना चाहिए। अभी आटा काफी सॉफ्ट हो गया है तो आप देख पा रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है। अभी इसको हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। 15 मिनट में ये और भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी लगा है। अभी इस आटे को रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अभी इसे देख लेते हैं। 15-20 मिनट पर देखिए आटा काफी हार्ड हो गया है तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि साबूदाना जैसे ही फूलता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से वापस आप गूंद लें। आप जितना अच्छे तरह से इसे गूंदेंगे नाश्ता आपका उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा और इसमें बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप देख पा रहे हैं अभी नाश्ते के लिए एकदम सॉफ्ट आटा बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। और इतना आटा बनाने में लगभग हमारे 3/4 कप जितना पानी लग गया है। मैंने 1 कप पानी लिया था, 1/2 कप जितना पानी बच गया है। अभी इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं। इसकी लोई एकदम छोटी नहीं तोड़ते हैं, थोड़ी सी बड़ी तोड़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। यदि आप इसमें पानी बराबर नहीं डालेंगे तो साबूदाना पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो नाश्ता हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा, वो हार्ड बनेगा। इसीलिए आटे को एकदम सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी है और साबूदाने को अच्छा पानी भी मिलना चाहिए। अभी इसके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने राजगीरे का आटा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं या कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगा देते हैं। आज उपवास के लिए बना रहे हैं इसीलिए इसके ऊपर राजगीरे का आटा लगा रहे हैं। अभी इसको हम बेल लेते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, पर साइड से ये थोड़ा फटाफटा रहता है। आप चाहे तो ऐसे भी सेक करके खा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक बाउल रख करके काट लेती हूँ। इस तरह से बाउल थोड़ा शार्प होना चाहिए, ये अच्छे से कट जाता है। अब जो साइड से जो निकला है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, कोई देख के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसे साबूदाना से बना करके तैयार किया है। अभी साइड में हमारे तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में एक एक करके इसको हम सेक लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और बाइंडिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। वैसे आपने साबूदाना की खिचड़ी वड़े तो बहुत बना के खाए होंगे। मेरे चैनल पे मैंने साबूदाना की आपको कई रेसिपी बताई है, पर ये बिल्कुल अलग बनके तैयार होती है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये बहुत ही कम घी तेल में बनके तैयार हो जाती है। घी या तेल इसके ऊपर लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके ऊपर लगाएं, नहीं तो आप रोटी के जैसे सेक के भी खा सकते हैं। दोनों तरफ से इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता है, हल्का गोल्डन कलर आता है।
जो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 3/4 कप साबूदाना लिया है। इस रेशियो में लगभग 7 इंच के 7 पराठे बनकर के तैयार होते हैं। हमने इसमें बिल्कुल लाइट मसाले डाले हैं। ये आप चाहे कोरा भी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जो हमने भंडारे स्टाइल में आलू की सब्जी बनाई है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इन पराठों के ऊपर हल्की सी क्रिस्पी लेयर आई हुई है और अंदर से पराठे काफी सॉफ्ट है। और खास तौर से पूरी रेसिपी के अंदर हमने घर में पड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही कम घी तेल में बनके तैयार हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप उपवास करें ये कॉम्बो रेसिपी बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।